आपका फ्रंट पेज है फॉर क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का। तो सबसे पहले मैं आपको एमआरपी बताता हूँ इस बुक का। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एमआरपी इसका 155 रुपीज़ है, पर अगर आप इसे मार्केट में परचेज़ करने जाओगे तो ये आपको नियर अबाउट 135 रुपीज़ की मिल जाएगी। पर आपको मैं कंटेंट दिखाता हूँ, अगर आपके पास ओल्ड एडिशन बुक है तो अगर आप उसे कंपेयर करोगे तो आपका कंटेंट बिल्कुल चेंज हो गया, बिकॉज जो आपके डिलीटेड टॉपिक्स थे वो इस बुक में बिल्कुल रिमूव कर दिए गए हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि आपका लेटेस्ट सिलेबस है, जो जो यहाँ पर आपको टॉपिक मेंशन है ये सारे टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। बाकी फर्दर अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको सर्कुलर आ जाएगा और देन उस सर्कुलर के हिसाब से आप उस टॉपिक को स्टडी करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर कंटेंट में आपको टोटल से 12 चैप्टर दिखेंगे। आपके 3 चैप्टर टोटली डिलीटेड कर दिए गए हैं, एक आपका कंस्ट्रक्शन, एक आपका एरिया ऑफ पैलोग्राम और एक आपका प्रोबेबिलिटी। ये 3 आपके टोटली रिमूव कर दिए गए हैं और बाकी सब टॉपिक्स आपके सम चैप्टर्स में से रिमूव करे गए हैं, जो मैं अभी आपको फर्दर बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में आपकी एक एक्सरसाइज आपकी रिमूव कर दी गई है, जो आपकी थी विजुलाइजेशन। जो आप नंबर लाइन पे हम क्या करते थे, अप्रॉक्स विजुलाइजेशन करते थे हम इरेशनल नंबर्स को, वो आपकी प्रीवियस एडिशन बुक में 1.4 एक्सरसाइज थी, पर वो आपकी डिलीटेड हो गई है। तो अब इस चैप्टर में आपकी टोटल सिर्फ 5 एक्सरसाइज हैं। पहली 3 आपकी एज इट इज़ हैं और जो आपकी 1.5 थी वो अब आपकी 1.4 बन गई है, और जो आपकी 1.6 थी वो आपकी 1.5 बन गई है। तो एक एक्सरसाइज आपकी रिमूव हो गई है इस चैप्टर में से। सिलेबस को मार्क करने से पहले मैं यहाँ पर आपके साथ एक इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी एडवांटेज होगा। अगर आपने अभी तक आरडी शर्मा परचेज नहीं करी, अगर आप सोच रहे हो कि यार कौन सी लूँ, पुराना एडिशन लूँ या नया एडिशन लूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नया एडिशन लेना ही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और अब आप इसको कहाँ से परचेज करोगे और कम से कम प्राइस में आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर आपको पूरा गाइड कर देता हूँ। 10point.ai ऐप आप सबके लिए एक मौका लेकर आ गए, जिसमें आपको मिलने वाली आरडी शर्मा बिल्कुल फ्री। अब वो कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर आपको पूरा गाइड कर देता हूँ कि एक लिंक मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जाके उसको लिंक को ओपन करना। जैसे ऊपर ओपन करोगे तो आपका एक पेज खुल आएगा, जिसमें वो आपसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आइदर आप उसको लॉगिन कर सकते हो मोबाइल नंबर से, या फिर आप अपने गूगल अकाउंट से उसको लॉगिन करोगे, देन उसके बाद आपका पेज खुल जाएगा। जैसे ही पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपका सिलेक्टेड प्लान आएगा कि आप 9 क्लास के हो या फिर 10 क्लास के हो। अगर आप 9 क्लास के हो तो 9 क्लास में क्लिक करना, अगर आप 10 क्लास के हो 10 क्लास में क्लिक करना, अगर आप क्लास 9 के हो, अगर आपका कोई ब्रदर है जो 9 क्लास में पढ़ता है, तो अगर उसके लिए अगर परचेज करनी है तो देन यहाँ पर आप 9 क्लास का प्लान चूज करोगे। और उसमें आप देख सकते हो कि आपका अगर एमआरपी प्राइस कितना है 545, बट ये आपको पूरे कितने की मिल रही है 445 की, और साथ के साथ यहाँ पर आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। अब ये सारी चीजें आप उठा सकते हो और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। बट अगर आपने ऑलरेडी आरडी शर्मा ले लिया है तो आप कूपन कोड डालिए, और जैसे मैंने आपको समझाया कि कूपन कोड कहाँ से मिलेगा आपके आरडी शर्मा के, जैसे आप ओपन करोगे तो लेफ्ट पेज पे आपका एक 10point.ai करके लिखा होगा, नीचे आपका एक स्क्रैच करके आपको कूपन कोड निकालना होगा, देन यहाँ पर फिलअप करना होगा। वो कब फिलअप करोगे, जब आप कंटिन्यू करोगे, देन उसमें आपको 150 रुपीज का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिस करके आप ये सारी चीजें आप उठा सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं आप सबके साथ शेयर करने आया था। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करी है तो अब आपके पास एक गोल्डन मौका है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको आरडी शर्मा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आपके घर डिलीवर होगी। तो इसलिए ध्यान से अपना एड्रेस फिलअप करना, तो फटाफट जाए लिंक पे ओपन करके अपनी बुक को फटाफट मंगाए और मेरे साथ मिलकर आरडी शर्मा सॉल्यूशन करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल में भी आपकी एक एक्सरसाइज रिमूव हो गई है। 2.1 आपकी एज इट इज है, 2.2 भी आपकी एज इट इज, जो आपकी प्रीवियस एडिशन में 2.3 एक्सरसाइज थी जो आपकी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड थी, वो आपकी रिमूव हो गई है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ फैक्टर थ्योरम करनी है और देन उसके बाद एलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको करनी है। तो मतलब टोटल सिर्फ आपकी 4 एक्सरसाइज है जो आपको इस चैप्टर में अब स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 3 कॉर्नर ज्योमेट्री, इसमें आपका कुछ चेंज नहीं किया गया है, ये आपका एज इट इज़ है। चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस चैप्टर में आपकी 2 एक्सरसाइज रिमूव हो गई हैं। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 आपको करनी है, प्रीवियस एडिशन से 4.3 और 4.4 आपका डिलीटेड हो गया है। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें आपका कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है और सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। इसमें आपकी एक ही एक्सरसाइज है 5.1, और देन उसके बाद चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल, इसमें आपकी एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है 6.3। इसमें आपको सिर्फ 6.1 एंड 6.2 स्टडी करनी है, अगर आप इसको रिलेट करोगे अपने ओल्ड एडिशन बुक से। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन बुक है तो आप मार्क कर लो कि आपको 6.1 एंड 6.2 करनी है, 6.3 आपका डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल, इसमें आपकी एक एक्सरसाइज डिलीट हो गई है,
इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थी वो। 7.1 आपको करनी है, 7.2 आपको करनी है, और देन RHS कॉन्ग्रेंसी के बेस पर 7.3 जो आपकी एक्सरसाइज थी 7.4 विच इज़ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी ऑफ ट्रेंगल, वो आपका टॉपिक डिलीट हो गया, तो आपको इस साल स्टडी नहीं करना। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपको एक्सरसाइज 8.1 करनी है और देन 8.2 करनी है। तो इस चैप्टर में आपका कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं हुआ है, तो एज इट इज़ पूरी दोनों की दोनों एक्सरसाइज आपको स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 9 सर्कल, इसमें आपके 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर मैं इसको ओल्ड एडिशन से रिलेट करूँ तो 9.1 9.3 आपका डिलीटेड हो गया है, आपकी जो 9.2 एक्सरसाइज थी वो आपकी 9.1 बन गई है, और जो आपकी 9.4 थी वो आपकी 9.2 बन गई है, और आपकी जो 9.5 थी वो आपकी एक्सरसाइज 9.3 बन गई है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे अगर आपके पास ओल्ड एडिशन बुक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेडोंस फॉर्मूला, इसमें आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है 10.1 जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ओल्ड एडिशन से, वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ हेडोंस फॉर्मूला थी, तो वो एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड हो गई है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज स्टडी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको 11.1 करनी है जो आपकी बेस्ड है कोन के ऊपर, देन उसके बाद आपके हेमिस्फीयर स्फीयर के ऊपर आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको राइट सर्कुलर कोन पे वॉल्यूम है और हेमिस्फीयर स्फीयर, तो दैट मीन्स आपका सिलेंडर क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर जो बेस्ड आपकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज है वो आपकी टोटली डिलीट हो गई है अगर मैं उसको रिलेट करूँ अपने ओल्ड एडिशन बुक से। देन चैप्टर नंबर 12 स्टैट्स, इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड हो गई हैं अगर मैं इसको रिलेट करूँ अपने ओल्ड एडिशन बुक से, पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज। आपको टैली मार्क वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, मीन मीडियन मोड के ऊपर जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके डिलीटेड हो गया है। आपको सिर्फ ग्राफिकली आपको ग्राफ पर प्लॉट करने हैं, हिस्टोग्राम पॉलीगन या फिर बार ग्राफ, उसके बेस पर आपको एक्सरसाइज सिखाई जाएगी और आपका सिर्फ 12.1 है। तो इसके बाद आपको एट दी एंड आपको आंसर दे रखे हैं एक्सरसाइज के, तो आप उसको वहाँ पर टैली कर सकते हो कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ये थे आपके पूरे चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन, और मैंने यहाँ पर आपको कंपेयर भी कर दिया है। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन बुक है तो यहाँ पर आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसको रिजॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जो रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।